सामूहिक रूप से अयोध्या में हो रहे जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उन 5 लाख मंदिरों में उनका लाइव प्रसारण भी देखा जाएगा। पर्दे, एलईडी स्क्रीन, जैसी जहां पर सुविधा होगी उसके हिसाब से ये किया जाएगा। और प्रत्येक राम भक्त के घर में दीपक जलाए जाएंगे, और इसके लिए हमारे कार्यकर्ता 6 लाख गांव में संपर्क करेंगे। 50 लाख कार्यकर्ता इस काम के लिए 15 दिन के अंदर ही, 1 जनवरी से 15 जनवरी तक घर घर में जाएंगे। और हरियाणा में भी तय हुआ है कि 30,000 टोलियां बनेंगी, 30,000 ग्रुप्स। और 30,000 टोलियों का मतलब लगभग 1 लाख कार्यकर्ता इस काम में लगेंगे। 6,725 गांव में घर घर के अंदर हमारे कार्यकर्ता जाएंगे। और इतना उत्साह हरियाणा में शुरू हो चुका है कि कई जिलों में शोभा यात्राएं निकल चुकी हैं, और गुरुग्राम में भी हम देख रहे हैं एक अद्वितीय उत्साह दिखाई दे रहा है। आप सब साक्षी हैं उन पलों के जब गुरुग्राम की राम भक्त जनता हिंदुत्व के जागरण के सभी अभियानों में सबसे अग्रणी भूमिका निभाती रही है। पूरे हरियाणा को गर्व है गुरुग्राम पर। कई विषयों पर गुरुग्राम ने मार्ग दिखाया है, राह दिखाई है। और मैं समझता हूं जितना जबरदस्त उत्थान हिंदुत्व के मामले में गुरुग्राम में देखने को मिला है, वो शायद हरियाणा के किसी और शहर में देखने को नहीं मिला। और इसीलिए उसी तरह का लक्ष्य इन्होंने रखा है, 1,000 टोलियां ये गुरुग्राम में निकलेंगी। लगभग 5,000 कार्यकर्ता उन टोलियों के माध्यम से घर घर में जाएंगे। 3 लाख घरों में संपर्क करने का ये तय कर चुके हैं, और 200 से अधिक मंदिरों के अंदर इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण, सजीव प्रसारण किया जाएगा, और लोग सामूहिक रूप से देखेंगे। कुछ लोगों ने तय किया हम दीपोत्सव की तरह से ही मनाने वाले हैं, दीपावली की तरह से, इसलिए सिद्धेश्वर महादेव के मंदिर में 22 तारीख को 21,000 दीपक जलाए जाएंगे। श्री कृष्ण मंदिर सेक्टर 10A, वहां 11,000 दीपक जलाए जाएंगे। गौशाला, उसमें भी 11,000 दीपक, और श्री शक्ति मंदिर सेक्टर 23, उसमें भी 11,000 दीपक जलाए जाएंगे। और घर घर के अंदर तो लोग दीपक जलाएंगे ही, और 3 चीजें लेकर कार्यकर्ता संपूर्ण देश में जाने वाले हैं। अयोध्या से पूजित अक्षत, जिनको हम साधारण भाषा में पीले चावल भी कह सकते हैं, निमंत्रण के लिए दिए जाते हैं। ये तो आजकल निमंत्रण पत्र या ई कार्ड देने की परंपरा हो गई है, पहले तो यही दिए जाते थे, और रामलला की तरफ से आ रहा है इस बार तो निमंत्रण। और इसके साथ में राम मंदिर का जो मॉडल है उसका एक प्रारूप दिया जाएगा, और एक निमंत्रण पत्र जिसमें कार्यक्रम की भूमिका का वर्णन भी होगा। ये 3 चीजें लेकर कार्यकर्ता घर घर में जाने वाले हैं। अक्षत यहां आ चुके हैं गुरुग्राम में। 23 दिसंबर को इन अक्षतों के कलश जो हैं वो शक्ति मंदिर, वहां से प्रारंभ होकर पूरे बैंड बाजे ढोल नगाड़े के साथ एक शोभा यात्रा के रूप में सिद्धेश्वर महादेव के मंदिर में पहुंचेंगे। वहां से पैकेट्स बनाए जाएंगे छोटे छोटे हर घर में देने के लिए। और 24 तारीख को ये सब लोग, जितनी बस्तियां बनी हैं उनके प्रमुख आएंगे, और वो अपनी अपनी बस्ती के लिए अक्षत वहां से लेकर जाएंगे बैंड बाजे के साथ, धूम धड़ाके के साथ। और ये मानकर चलिए आज से ही इस कार्यक्रम का प्रारंभ हो चुका है, और जो उत्साह देखने को मिल रहा है गुरुग्राम में यहां के कार्यकर्ताओं में, वो अद्वितीय है। और मुझे पूरा विश्वास है कि इसके बाद गुरुग्राम की जो पहचान एक आर्थिक महानगरी के रूप में बनी हुई है, वो इसके साथ साथ एक और पहचान बन जाएगी। ये राम भक्तों की नगरी है, ये
धर्म प्रेमियों की नगरी है, जिस नगरी को माता शीतला का आशीर्वाद है, जिस धरती के ऊपर द्रोणाचार्य जी का आश्रम बना था, वास्तव में हर हृदय के अंदर राम विराजमान हो जाएंगे और फिर कोई हिंदू विरोधी षड्यंत्र गुरुग्राम की धरती पर संभव ही नहीं है। इस तरह का सशक्त हिंदू समाज इस कार्यक्रम के बाद निर्माण हो जाए।